जिसमें हमारे पास फिजिकल ओके पैनल पड़ी है और एक जिसमें पोलराइज सीट डालनी है। फिजिकल ओके पैनल में से ये चीज निकालनी है, मतलब ये खराब है पैनल, हमारे कोई काम की नहीं है, नो पिक्चर है। अब हमको पता है इसमें पूरा पोर्शन आपको ब्लेड से बहुत ध्यान से, यहां अच्छे अच्छों ने तोड़ी है पैनल, ठीक है। एक बार टूट गया तो फिर दूसरी पैनल खरीद के लाओ और दूसरा सो तीसरा सो, लेकिन आराम से अगर जो काम किया ना तो बहुत इजीली निकल जाएगा। सेशन में अब ये उल्टा रख के ब्लैक मैट्रिक्स घिसना है। पीछे मैंने बताया था ना ब्लैक कोटिंग होती है कलर फिल्टर के चारों सराउंडिंग में ब्लैक बॉर्डर होती है, वो इस पे है। और कई बार इसी पे कलर फिल्टर भी इसी पे होता है, इसी ग्लास पे पीछे की साइड, ये पीछे की साइड है, ठीक है। अभी मैं इसको दोबारा मेनू दबाऊ तो ये हटना चाहिए, जैसे हट गया लेकिन ये रह जाता है और हल्के हल्के से डिम डिम होके बाद में रहता है, वो बहुत देर लगती है उसको हटने में, तो उसको स्लो मोशन, ठीक है। आपको ऑन स्क्रीन डिस्प्ले से ही देखना है, ऑन स्क्रीन डिस्प्ले मतलब ये, ठीक है। स्लो मोशन में ये सभी वोल्टेज के लिए स्लो होता है कि कोई भी नहीं? नहीं, वी ऑन, खाली वी ऑन, वी ऑन से स्लो। VGL का फॉल्ट है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये इसमें VGL के फॉल्ट में जब आपने मेनू नहीं दबाया, ऑन स्क्रीन डिस्प्ले कुछ भी नहीं है, तो उस समय पे ये इस तरह की वर्टिकल लाइंस दिखेगी आपको, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं। और अगर जो इसमें आपका आपने ऑन स्क्रीन डिस्प्ले मतलब मेनू का बटन दबाया, तो कुछ डिस्प्ले
इस तरह से हो जाएगी, जैसे हम स्क्रीन डिस्प्ले दबाया तो ये जैसे आप देख पा रहे हैं वर्टिकल लाइंस की जो रूपरेखा चेंज हो गई है, ये वर्टिकली पहले ब्लू कलर में दिख रहा था मेनू हटने के बाद जैसे आप देख रहे हैं अभी, और मेनू दबाने के बाद अब जो हो रहा है वो वर्टिकल लाइंस आपको दिख रही है, उसका जो ब्लैक पैटर्न में हो गया है, व्हाइट एंड ब्लैक पैटर्न में। सो